हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज स्वीट पोटैटो चैनल में हम आपके लिए तीन बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में जब विंटर का टाइम होता है जाड़े के टाइम पर स्वीट पोटैटो शकरकंदी जब मार्केट में आती है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉईल करके या फिर उनको भून के खा लेते हैं लेकिन आज आपके साथ हम तीन बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रहे हैं चलिए देखते हैं हमने उनको कैसे बनाया है यहाँ तो पर स्वीट पोटैटो पहले हमने थोड़े से बॉयल किए थे उसके बाद इनको हमें भून लेना है अच्छी तरीके से भुने हुए स्वीट पटेटो शकरकंदी का हम लोग जो भी कुछ बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आपने हमारा एक वीडियो नहीं देखा है जिसने पूरी डिटेल में बताया कि आप कम टाइम में कम गैस को वेस्ट करके कैसे स्वीट पटेटो या फिर बैगन को भून सकते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया से घर पे आप इन्हें आसानी से भून सकते हैं तो हमारे स्वीट पटेटो भून चुके हैं इनको हम रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज है इसकी हमने चाट बनाई है बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में बहुत ही हेल्दी भी होती है एक पैन में हमने वन टेबल स्पून के करीब बटर लिया बटर या फिर घी जो भी इस्तेमाल करना चाहें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जीरा को थोड़ा भून लेंगे इसके अंदर ऐड करें एक कप सिर्फ उबले हुए चने जिसके हम लोग छोले बनाते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं ये भी तो इसके हमने इसका इस्तेमाल किया अच्छे से हमने बॉयल कर लिया था थोड़ी सी हींग डाल दी और उसमें ऐड करी हमने थ्री टेबल स्पून के करीब थोड़ी सी स्पाइसी जो हरी धनिया वाली चटनी जो हम लोग बनाते हैं वो हमने इसमें ऐड करी ताकि जो हमारे छोले हैं बिल्कुल भी फीके ना लगे इनके अंदर बढ़िया सा तड़का मी तड़का तो लगाया नहीं हमने बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाए हरी धनिया की चटनी का उसमें लहसुन में अदरक सारी चीज़ें ऐड करी हुई पहले से ही और हरी मिर्च भी ऑलरेडी ऐड आड़ करी बहुत ही बढ़िया लगती है इसके अंदर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे छोले ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ और उनके अंदर बढ़िया सा टेस्ट आ जाए चटनी का थोड़ा सा हमने नमक और डाल दिया है इसके अंदर और एक से दो मिनट लिए अच्छे से हमें इनको भून लेना है ऑयल हमने ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया है अब हमको क्या करना है तो यहाँ पे जो हमने शकरकंद भून के रखे हुए थे एक इसको पील कर लेते हैं और जब अच्छी तरीके से शकरकंद भुने होते हैं ना किसी भी चीज़ में ऐड करो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जो इसका स्मोकी फ्लेवर आता है ना और जो थोड़ा जला जला सा है ना उसको हमने नहीं हटाया वही तो अच्छा टेस्ट लाता है और इसके हम पीसेज इस तरीके से कुछ काट लेंगे इसी में हम ऐड कर देंगे तो एक हमने स्वीट पोटैटो इस्तेमाल किया एक कप छोला इस्तेमाल किया उसको इस तरीके से कुछ बनाने के बाद में इसमें हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च भुने हुए जीरे का पाउडर हरी धनिया बारीक कटी हुई और इसमें मिक्स कर रहे हैं बहुत ही थोड़ी सी हमने गाजर इस्तेमाल की ग्रेट की हुई बहुत बढ़िया टेस्ट आता है एकदम एंड में वन टेबल स्पून नींबू कर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारी बन गई स्वीट पोटैटो चिकपीस की बहुत ही टेस्टी हेल्दी चाट बहुत ही कम ऑयल में ऑयल की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है बहुत ही हेल्दी आजकल सारा सीज़न भी सारी चीज़ों का है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अगर बहुत ही कम ऑयल खाने का मन है तो आपके लिए रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी बहुत अच्छी लगती है और हमारे इस चैनल में दूसरी रेसिपी है स्वीट पोटेटो चीला यहाँ पे हमने दो कच्चे शकरकंद इस्तेमाल किए हैं इसको हमने ग्रेट कर लेना है जो मोटा वाला ग्रेटर होता है उसकी मदद से और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे इससे बहुत बढ़िया चीला बन के रेडी होता है बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग के लिए बिल्कुल बेस्ट ब्रेकफास्ट है आपके लिए तो नमक डाल दिया थोड़ा सा गार्लिक पाउडर इस्तेमाल किया हींग इस्तेमाल की है और बहुत ही थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल की हमने यहाँ पर हरी मिर्च और हरी धनिया अब इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप बेसन बहुत ज़्यादा बेसन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दो हमने शकरकंद के हिसाब से आधा कप बेसन इस्तेमाल किया है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी पानी थोड़ा थोड़ा थोड़ इस्तेमाल कीजिए बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है हमें नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ऐड कर देंगे ना तो बहुत लिक्विड हो जाएगा फिर आपको दोबारा से बेसन ऐड करना पड़ेगा इस वजह से आधा कप पानी हमने इस्तेमाल किया आधा कप बेसन दो स्वीट पटेटो और आधा कप लगभग पानी हमने इस्तेमाल किया है सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हल्का सा थिक सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे अब चले इसके बना लेते हैं हम बढ़िया से चीले तो यहाँ पे हमारा पैन बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको हमें इसका ग्रीस कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर डालते ही एकदम से फैल नहीं रहा है बस इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बना के रेडी करना है अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक सा गाढ़ा बैटर बनाया है तो चीले बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जितना हमने रेशियो बताया उसी हिसाब से आप बैटर बनाएंगे और नीचे अच्छे से जब पक जाएगा इसको पलट देंगे अच्छा सा कलर आ जाए दोनों साइड में और तीन से चार मिनट में अच्छे से पक जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में इसको पलट पलट के अच्छे से सेक से लेना है ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और हमारा स्वीट पोटैटो का शकरकंद का बहुत ही हेल्दी टेस्टी चीला बन के रेडी हो चुका है आप इसे बनाइएगा जो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही हेल्दी खाने से करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए रेसिपी आपके की लिए और हमारी थर्ड रेसिपी स्वीट पोटैटो पराठा जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने मॉर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि हमने इसके शकरकंद इस्तेमाल किए शकरकंद आप उबले हुए ले सकते हैं या फिर भुने हुए ले सकते हैं भुने हुए का बहुत बढ़िया लगता है पराठा इसके अंदर हमने डेढ़ कप आटा इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया है आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि शकरकंद का साइज भी डिपेंड करता है और इसके अंदर अजवाइन डाल दी थोड़ा सा नमक डाल देंगे हरी मिर्च हरी धनिया और इसके अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पराठे के अंदर अदरक लहसुन पसंद है तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बिना पानी के आपको डो बना के रेडी करना है पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया है यहाँ पर और जैसे कि हम लोग पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें सेमी सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है इस टाइप से बना लेंगे थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे एक बार फोल्ड करेंगे दोबारा से फिर से बटर लगाएंगे और इस तरीके से बना के हमें रेडी कर लेना है बस बहुत मोटा नहीं ना ही बहुत पतला और चलिए इसका बना लेते हैं क्रिस्पी सा पराठा तो हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका था एक साइड जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इसको पलट देंगे दो साइड अच्छे से बटर अप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ अच्छी तरीके से बटर लगा लेंगे बिल्कुल आपकी छाई से आपको कम ऑयल खाना है या फिर ज्यादा ऑयल खाना है वैसे आप पराठा बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी बहुत टेस्टी मॉर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है और हमारा स्वीट पोटैटो का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है इसको भी आप रायते के साथ में सर्व करते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है बूंदी के रायते के साथ में या फिर प्लेन दही के साथ में बहुत अच्छा लगता है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी फ्रेंड अगर आपको हमारी तीनों रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में और मुझे जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में कि आप नेक्स्ट चैलेंज कौन सी रेसिपी का देखना चाहते हैं मीन्स कौन सी वेजिटेबल uh, या फिर कौन सा ग्रेन्स का देखना चाहते हो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे हम और अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए नए नए आइडियाज के लिए हमारे चैनल कुकवि शिवा को, को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी रेसिपी की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग